यहीं से कहने लगे जी, बात करें अगर कपास खली की, तो कपास खली में भी हमने देखा है कि गिरावट बंदी नजर आ रही है। हालांकि कॉटन की कीमतों में हमने तेजी आती देखी है, लेकिन बिनौला खल कपास खली में देख रहे हैं कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वायदा में गिरावट देखने को मिल रही है। 2800 के लेवल के बाद बिनौला खल आज 2700 का लेवल पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आगे जाके साल 2022 में बिनौला खल की कुछ इंडस्ट्रियल डिमांड ऐसी निकल सकती है जिससे बिनौला खल की कीमतों में तेजी आए? देखिए अखिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जो कपास खली है और ये बहुत महत्वपूर्ण पशु आहार है, और यदि आप देखें कि जितने भी पशु आहार हैं, चाहे सरसों की खली है या और सोयाबीन की है, उससे काफी ये सस्ती पड़ती है। अतः किसान और ये डेयरी फार्मिंग के जो पशुपालक हैं वो कपास खली के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये पशुओं को काफी पसंद भी आती है, और इससे जो है अच्छा दूध और उसका भी पशुओं के लिए माना जाता है, ये अच्छे दूध के लिए। अब सवाल ये होता है कि ये पशु आहार है और यदि उसके दाम बेहताशा बढ़ेंगे, जैसे हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने आपको कहा था कि एक सीमा से बढ़कर जब ये कपास खली के दाम बाजारों में होंगे, तो उतनी ही मात्रा के अंदर कम खरीदारी किसान या फिर पशुपालक करेगा, और उसके वो अपने पशु के चारे में दूसरा जो आइटम है, चाहे मक्का है, चाहे बाजरा है, या बाकी और दूसरी चीजों का समावेश करेगा, क्योंकि इसके बेताशा दामों के अंदर बढ़ोतरी। और एक और महत्वपूर्ण ये भी है कि जब बाकी जो खल है, डीओसी है, या बाकी जो है जो ऑयल सीड्स हैं, उसको के अंदर अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो उसका भी आंशिक प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। जहां तक कपास का सवाल है, कपास के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भाव मजबूती से डटे हुए हैं, और भारतीय मंडियों के अंदर भी अच्छी क्वालिटी का कपास जो है वो कम मात्रा में आ रहा है एज कम्पेयर टू पिछले सालों के बनिस्बत। तो अतः इसमें तो कोई खास बड़ी कमजोरी नहीं नजर आती है, और कपास खली के अंदर ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल भी हम मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी तेजी को आप लगातार एक दिशा में चलते रहना ये बाजारों के लिए भी ठीक नहीं है, और ये उस उत्पाद के लिए भी ठीक नहीं है। तो जो 2800 से के आसपास एनसीडीएक्स पे उसके भाव देखे गए, 2900 के भी भाव देखे गए, तो अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती है, और उसके अंदर कोई हैरान परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। ये एक रूटीन और तेजी मंदी है, तो इसलिए इसके अंदर कुछ कमजोरी है। और अभी आज तो पूरा एनसीडीएक्स जो पैक है वो लगभग लाल निशान पे ही ट्रेड कर की है, कि चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे हल्दी हो, इन सभी के अंदर गिरावट है। गवार सीड के अंदर भी आज कुछ गिरावट है। तो ये तेजी और मंदी, सांस लेना और सांस छोड़ना जैसी दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, क्योंकि आपको सांस लेनी भी पड़ती है और सांस छोड़नी भी पड़ती है। इस तरह से तेजी के बाद मंदी आती है, मंदी के बाद तेजी आती है, यह रुख रहता है। लेकिन जो फंडामेंटली व्यापार समझ के करता है, क्षमताओं के आधार पर करता है, समझ तो निश्चित रूप से उसका वो पूरा फायदा उठाता है। और एक गौरतलब, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं अपने अनुभव से आपसे शेयर करता हूं, कि यदि फंडामेंटल मजबूत हैं और आपके पास कैपेसिटी है, तो उसके अंदर जब भी माल गिरावट में हो उस समय थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए और तेजी के अंदर माल बेचना चाहिए। अक्सर ये होता है कि मार्केट में तेजी आती है तो सब लोग तेजी तेजी चलाने लगते हैं, और जब मंदी आती है तो सारे मंदी करने लगते हैं, तो उसका पूरा फायदा कारोबारी को नहीं मिल पाता। सोयाबीन के अंदर भी आपको याद होगा कि जब सोयाबीन में ये इम्पोर्ट ड्यूटी ऑयल सीड्स में की गई थी, और उस वक्त सोयाबीन के भाव बहुत तेजी से नीचे गिरे थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि आप देखिए जो आंकड़े जो निकल रहे हैं प्रोडक्शन के और दूसरे, वो ग्राउंड रियलिटी से दूर हैं, और जब तक आप जमीनी सच्चाइयों से नहीं जुड़ेंगे, आप कोई बड़ा और सही कारगर निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो मतलब यह है कि यदि आप निवेशक हैं, व्यापारी है, कारोबारी है, तो निचले स्तर पर माल मिलता है तो लेना चाहिए और ऊंचे स्तर पर माल बेच देना चाहिए। यही व्यापार की गतिविधि है और यही रहेगी। जी अखिलेश जी। जी,